अरे भाई, इतनी कड़कती धूप में चलते चलते मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे हाँ भाई, धूप तो बहुत जोर की है और इस रेगिस्तान में तो कहीं पानी भी नहीं है। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। अरे भाई, चलते रहो, हो सकता है हमें कहीं ना कहीं पानी पीने को मिल ही जाए। उन तीनों को चलते चलते शाम हो जाती है। अरे भाइयों, अब तो रात हो गई है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मित्र, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तीनों मित्र वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे ही आधी रात गुजरती है, अरे मित्र, उधर तो देखो, वहाँ पर कोई वस्तु चमक रही है, चलो चलकर देखते हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे लगता है या तो कोई चमकदार वस्तु ही है, चलो चलकर देखते हैं। नहीं मित्र, हमें इतनी रात्रि में यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। हम सुबह होते ही यह देख लेंगे कि वह चमकदार वस्तु क्या थी। अरे मित्र, तुम इतना डर क्यों रहे हो? हम तो तीन हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो हम लोग चलकर देखते हैं। फिर वे तीनों उस चमकदार वस्तु की तरफ चल देते हैं। अरे मित्र, यह तो कोई चमकदार आईना लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो एक सोने का सिक्का है। अरे हाँ मित्र, यह तो एक सोने का सिक्का ही है, तो इसका मतलब इस गुफा में सोना अवश्य होगा। चलो मित्र, हम लोग इस गुफा के अंदर चलते हैं। नहीं मित्र, इस समय हमारा इस गुफा में जाना ठीक नहीं होगा। हम सुबह जाएंगे इस गुफा में, अगर तुम चाहो तो यह सिक्का तुम रख सकते हो। तेज प्रताप उन दोनों को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वह दोनों बहुत ही लालची थे। फिर वह तीनों वापस लौट आते हैं। अरे मनिक भाई, मुझे लगता है अब तेज प्रताप सो गया है। चलो हम लोग चलते हैं और गुफा में देखते हैं सोना कहाँ पर छिपा है। फिर वह दोनों चुपचाप उठकर गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। अरे मित्र, यह गुफा तो कितनी डरावनी है। हाँ हाँ मित्र, गुफा तो बहुत डरावनी है, लेकिन सोचो, यदि हमें खजाना मिल गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे मित्र, इस दरवाजे के पीछे क्या है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों उस दरवाजे को स्पर्श करते हैं, तभी वह दरवाजा खुल जाता है और वह दोनों किसी विचित्र दुनिया में पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम दोनों? कहीं तुम दोनों पृथ्वी लोक से तो नहीं आए हो? हाँ हाँ, हम लोग पृथ्वी लोक से ही आए हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो और ये कौन सी दुनिया है? हम दोनों इस राज्य के सैनिक हैं, चलो हमारे महाराज के पास चलो। अरे मित्र, हम ये किस मुसीबत में फंस गए हैं? हमने अपने मित्र की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, अब पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे ये दोनों कहाँ गए? कहीं वह दोनों गुफा में तो नहीं चले गए? चलो चलकर देखता हूँ। अरे ये क्या, ये दरवाजा कैसा,
इस पर तो कुछ लिखा भी है, लेकिन या तो किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ लगता है। अरे ये क्या लिखा हो सकता है? ये दरवाजा एक विचित्र दुनिया में ले जाएगा। यदि आपने राजा की मांग पूरी की तो राजा आपको धन धान्य से भर देगा। अरे आखिर उस राजा की मांग क्या हो सकती है? चलो चलकर देखता हूँ, कहीं मेरे दोनों मित्र उसी राजा के पास तो नहीं फंसे हुए हैं। अरे आप लोग कौन हैं? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम पृथ्वी लोक से आए हो ना? हाँ मैं पृथ्वी लोक से ही आया हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो? हम दोनों इस राज्य के सैनिक हैं। चलो हमारे महाराज के पास चलो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महाराज मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने दो मित्रों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरे दो मित्र आपकी इस विचित्र दुनिया में आ गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ महाराज। हाँ हाँ तुम्हारे दोनों मित्र हमारे पास बंदी हैं, लेकिन वह दोनों दिल के बहुत ही दुष्ट तथा लालची हैं। यहाँ तुम आ तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। जब तक तुम लोग मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं कराओगे, तब तक यहाँ से कोई नहीं जा सकता। लेकिन महाराज आपको ये श्राप किसने दिया था? ये श्राप मुझे एक ऋषि ने दिया था। यह बात उन दिनों की है जब मैं एक बहुत ही क्रूर तथा घमंडी किस्म का राजा था। लेकिन महाराज हम कहाँ जाएंगे? इस राज्य को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं महाराज? दया करो महाराज, इस बार सूखा पड़ने की वजह से कोई भी फसल नहीं हुई है महाराज, तो हम आपको कर कहाँ से दे महाराज? दया करो महाराज। तुम जैसे निकम्मों के लिए हमारे दिल में कोई दया नहीं है। यदि तुम्हें इस राज्य में रहना है तो कर पूरा देना पड़ेगा, चाहे फसल हो या ना हो, मुझे कर चाहिए। एक दिन की बात है, राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। अरे यह फल हमें किसने मारा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह मुझे यह जूठा फल फेंक कर मारे? अच्छा तो तू एक उद्दंड बंदर है, तेरी इतनी हिम्मत? रुक अभी तुझे मजा चखाता हूँ। राजा अपने धनुष से उस बंदर के ऊपर वार करने लगता है, तो बंदर भागते भागते एक जंगल में एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। उसी वृक्ष के नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। तभी राजा ने उस बंदर के ऊपर तीर से वार कर दिया, तो बंदर घायल होकर जमीन पर गिरता है। अरे ये कैसा शोर है? या तो कोई बंदर लगता है, लेकिन इसे तो किसी ने घायल कर दिया है। इसे मैंने ही घायल किया है, या मेरे बगीचे में घुसकर मुझे ही झूठे फल फेंक कर मार रहा था, इसलिए मैंने इस दुष्ट को मारा है। लेकिन राजन यह तो एक जानवर है, और या तो इस वानर का स्वभाव है, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था। तुमने इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा तो एक मामूली सा साधु हमें ज्ञान देगा क्या पाप है और क्या पुण्य है? चले जाओ साधु, नहीं तो तुम्हारा भी हाल इसी बंदर की तरह ही हो जाएगा। अरे मूर्ख राजा, तू तो बड़ा ही अहंकारी है। इस मासूम को मारकर तुझे इसका कोई आभास नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस अहंकारी मुख से
तू इतने कट वचन बोल रहा है, तेरा यह मुंह वानर का हो जाएगा और तू और तेरा राजमहल एक विचित्र दुनिया में खो जाएंगे। क्षमा महात्मन, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने राजस्व में आकर बहुत अहंकारी और बहुत ही क्रूर हो गया था, परंतु मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भूल का आभास हो चुका है। मुझे इस वानर वाले सिर से मुक्त कर दीजिए बाबा, अब मैं जीवन में कोई पाप नहीं करूँगा। हे अभिमानी राजा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिस दिन कोई पृथ्वी लोक का नेक दिल इंसान तेरी इस विचित्र दुनिया में आकर तुझे स्पर्श करेगा तो तेरा ये श्राप टूट जाएगा और तू वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। तब से लेकर आज तक हमारा ये राज्य इस गुफा में ही समाया हुआ है, लेकिन यदि तुम एक नेक दिल इंसान हो तो तुम्हारे स्पर्श करने से मैं वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा और अपने पृथ्वी लोक पर वापस लौट सकूंगा। यदि तुमने मुझे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सात पुश्तें बैठकर खाएंगी। ठीक है महाराज, लेकिन मुझे आपके धन की कोई लालसा नहीं है। यदि मेरे स्पर्श से तुम्हारा भला हो सकता है तो मैं तुम्हें अवश्य इस श्राप से मुक्त करूंगा। फिर वह आदमी जैसे ही राजा को स्पर्श करता है, अरे ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया, मैं तो अपने वास्तविक रूप में आ गया। हे नेक दिल इंसान, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। फिर उस राजा का पूरा राजमहल वापस पृथ्वी लोक पर आ जाता है। फिर वह तीनों मित्र बहुत सारा धन लेकर वहाँ से वापस अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं।